आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। गुजरात असेंबली इलेक्शंस के सेकेंड फेज की वोटिंग जारी है। 182 विधानसभा सीटों में से 93 सीटों के लिए दूसरे चरण में मतदान हो रहा है। दूसरे फेज में अहमदाबाद, अरावली और गांधीनगर समेत 14 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। बीजेपी पिछले 27 सालों से गुजरात की सत्ता पर काबिज है और एक बार फिर से वापसी की उम्मीद लगाई है। हालांकि इस बार बीजेपी को कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी से भी टक्कर मिल रही है। बता दें कि गुजरात में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या गठबंधन को 92 सीटों पर जीत जरूरी है। इस इलेक्शन के दौरान पीएम मोदी ने प्रचार के लिए रैलियां निकाली थी, जिसे लेकर संजय राउत ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि गुजरात में विकास हुआ है तो वोट के लिए प्रचार करने की या फिर रैलियां निकालने की क्या जरूरत है। सुनिए इस पूरे मामले में संजय राउत ने क्या कहा है। 2 महीने से मैं देख रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी हो या गृह मंत्री जी है, जेपी नड्डा जी है, सभी केंद्रीय मंत्री पूरा प्रचार गुजरात में कर रहे हैं। क्या अभी भी भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में प्रचार करने की इतनी ज़रूरत है? जोर जोर से प्रधानमंत्री अपना पूरा समय दे रहे हैं, गृहमंत्री जी अपना पूरा समय वहाँ दे रहे हैं, केंद्रीय मंत्री दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात के 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, वो कहते हैं ये गुजरात मैंने बनाया है, ये सही है। गुजरात ने गुजरात बनाया है, गुजरात विकास की राह पर चला गया है, हमारे लिए अच्छी बात है, देश का विकास है। फिर भी आपको प्रचार में उतरना पड़ रहा है सबको, और अपने विरोधियों को ऊपर टिका टिप्पणी करनी पड़ रही है, इसकी ज़रूरत क्या थी फिर? उसका मतलब ये है कि लोग आपके साथ नहीं है, लोग गुस्से में है, लोगों के प्रश्न अलग है। आज भी आपका टारगेट कांग्रेस है, जो आप कह दो कि कांग्रेस मैदान में नहीं है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, फिर भी आपका पूरा हमला कांग्रेस के ऊपर है, ये समझ लेने वाली बात है। सर, राज्यपाल को अभी तक हटाया नहीं गया, कुछ एक्शन नहीं लिया गया परिषदेच्या बैठकीसाठी? क्या राज्यपाल पर अभी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया? गवर्नमेंट राज्यपाल पर एक्शन लेना पड़ेगा। विधानसभा सत्र शुरू होगा 19 से, मंत्रिमंडल विस्तार भी नहीं है। हाँ, उससे पहले और उसके बाद भी पूरे समय आप देखो अपोजिशन क्या करने जा रहा है। राज्यपालांवर कारवाई करावी लागेल। हे अरेला कार्याची भाषा जे म्हणतात ना, आधी राज्यपालांना जाऊन कार्य करा, जे तुमचे मुंबई भाजपचे अध्यक्ष काल सांगत होते, आम्ही कर्नाटकच्या अरेला कार्य करू। अन्य भरटपणा, आधी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान करणाऱ्या राज्यपालांच्या राजभवनात घुसून जाऊन त्यांचा चहा न पिता, त्यांची बिस्किटं न खाता, त्यांना विचारा कार्य राज्यपालांचा अपमान, शिशुवरांचा अपमान करता, आधी कार्य तिथे विचारा, कार्य तुम्ही छत्रपतींची बदनामी करता हे विचारा, आणि मग बाकीचं काय असेल ते जा। पण तुमच्या मनगटात तेवढी हिंमत नाही, रोज उठतात आणि शिवरायांची बदनामी करतायत, रोज उठतात छत्रपतींचा इतिहास तुडवतायत, शिवनेरीवर जन्म छत्रपतींचा, अख्ख्या जगाला माहिती आहे शिवनेरी छत्रपतींचं जन्मस्थान कोणतं। या महाराष्ट्रातला बच्चा सांगेल शिवनेरीवर महाराष्ट्राचा राजा जन्माला आला, आणि काल भाजपने शोध लावला शिवनेरी नाही, खुले मारले शिवनेरी, इतिहासातून शिवनेरी काढून टाकल्या। छत्रपतींचा जन्म महाराष्ट्रात झाला हे तरी मान्य आहे का आपल्याला? किंवा छत्रपती जन्माला आले होते एक राजा हे तरी आपण स्वीकारताय का? भारतीय जनता पक्षाला सुद्धा उत्तर द्यावं लागेल। किसी ने कहा मालूम नहीं, मैं बोलता हूँ ये भाजपची भाषा है, किसके मुंह से निकले मुझे मालूम नहीं, पूरे देश को पता है, इतिहास को पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म पुणे जिले में शिवनेरी फोर्ट शिवनेरी किले पर हुआ है। इस राज्य का देश का बच्चा कहेगा ये, लेकिन भाजपा ने इतिहास बदल दिया, फिर एक बार खुले मार दी शिवनेरी के ऊपर, शिवनेरी का महत्व खत्म कर दिया, किसी और जगह का नाम लिया कोंकण में। ये इतिहास आपको कौन सा इतिहास आप लिखना चाहते हो? आप किसका इतिहास लिखना चाहते हो? नया इतिहास है
लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास के साथ आपने गद्दारी की, धोखाधड़ी की, तो महाराष्ट्र आपको बर्दाश्त नहीं करेगा।